अमित शाह 7 साल में कितना बदल गया, ऐसा क्या हुआ डिप्टी सीएम पर फिसल गया। तो उन्होंने जवाब दिया, अब सारा जवाब अमित शाह कह रहे हैं, उनका दर्द सुना रहे हैं। स्ट्रोंगली तुम्हारा जादू मुझ पे चल गया साहेब, इसीलिए मैं मनुष्य पर फिसल गया। मुझको ना यूं सताओ, आडवाणी के पास जाओ, कहते हैं वो के अब भी पीएम हम। अरविंद केजरीवाल को पता जो चल गया, समझो जनाजा बीजेपी का भी निकल गया, समझो जनाजा बीजेपी का भी निकल गया। रास्ता 24 का कैसे कटेगा। आखिरी लाइन सुनना जो उनका दर्द है। मैं कवि हूँ, मैंने अपने तरीके से सवाल भी किया, बात भी की है कि बदकिस्मती से हमको कैसा उल्लू मिला है, सीबीआई की शक्ल में क्या गुल्लू मिला है। डिप्टी सीएम के घर से मुंह लटका के आ गए। आप कह रहे हैं कि हम चोर हैं, अब हम तो ये कह रहे हैं कि हम चोर नहीं, हम तो जवाब मांग रहे सीबीआई से। सीबीआई की शक्ल में क्या गुल्लू मिला है, डिप्टी सीएम के घर से मुंह लटका के आ गए, मुंह लटका के आ गए, मुंह लटका के आ गए। बाबा जी का उन्हें जो वहाँ ठुल्लू मिला है, बाबा जी का उन्हें जो वहाँ ठुल्लू मिला है। अब नीचता की हद को कर वो पार रहे हैं, खुद अपने काले चेहरे वो उतार रहे हैं। कारण क्या है सीबीआई जांच करने का, मैं जो बता रहा हूं ये है असली कारण। खुद अपने काले चेहरे वो उतार रहे हैं, हमको डराने वाले भी अच्छे से जानते। क्यों विधायक जी, हमको डराने वाले भी अच्छे से जानते, अच्छे से जानते, अच्छे से जानते। गुजरात में वो एक तरफ हार रहे हैं, गुजरात में वो एक तरफ हार रहे हैं, गुजरात में वो एक तरफ हार रहे हैं। एक और कहना चाहता हूँ, ये तो विधायक है, ये हमारा सम्मान, हमारा गौरव है ये विधायक, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। उन कपटी लोगों के ही बुरे दिन है बीतते, के रात दिन वो केजरीवाल पर ही खींचते। क्या खाक करेंगे विकास भारती का वो, क्या खाक करेंगे विकास भारती का वो, अरे भारती का वो, माँ भारती का वो। जनता को लूट कर जो विधायक खरीदते, जनता को लूट कर जो विधायक खरीदते। लेकिन हमारे एमएलए पे हमें गर्व है क्या? अपने विधायकों पे तो गुमान होता है, मानो सुरक्षा में खड़ा जवान होता है। अरे बोली लगाने वाले दलालों जरा सुनो, बोली लगाने वाले दलालों जरा सुनो, दलालों जरा सुनो, दलालों जरा सुनो। एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है, एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है, एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है। और रात को जी मुझे एक ख्वाब आया, सपने में मैंने देखा कि अरे विधायक जी हमारे, सपने में मैंने देखा, हमने सपने में देखा कि अमित शाह जी और मोदी जी के आपस में बात हो रही थी। और बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी, मोदी जी पूछ रहे थे, फिर अमित शाह ने जवाब दिया। मोदी जी ने कहा, अमित शाह 7 साल में कितना बदल गया, ऐसा क्या हुआ जो मनुष्य सिसोदिया पर फिसल गया। अमित शाह 7 साल में कितना बदल गया, ऐसा क्या हुआ डिप्टी सीएम पर फिसल गया। तो उन्होंने जवाब दिया, अब सारा जवाब अमित शाह कह रहे हैं, उनका दर्द सुना रहे हैं। स्ट्रोंगली तुम्हारा जादू मुझ पे चल गया साहेब, इसीलिए मैं मनुष्य पर फिसल गया। मुझको ना यूं सताओ, आडवाणी के पास जाओ, कहते हैं वो के अब भी पीएम हमें बनाओ। सब जानते हैं उनमें कुछ भी नहीं अभी दम, फिर क्यों दिखाते रहते वो आंख हमको हरदम। होले से तुम भी बोलो, नाराज अपना खोलो, तुमको पता क्या दुश्मन थे हम पे यहाँ ऐठे, जाकर के पाक में तुम
क्यों केक काट बैठे अपनी तरफ से जनता मरती हमारे जाकर हमको तो लगता है बस एक आदमी से अब डर अरविंद केजरीवाल को पता जो चल गया समझो जनाजा बीजेपी का भी निकल गया समझो जनाजा बीजेपी का भी निकल गया रास्ता 24 का कैसे कटेगा आखिरी लाइन सुनना जो उनका दर्द है रास्ता 24 का कैसे कटेगा राह में कर केजरीवाल डटेगा भूले से अब मनीष को जो छेड़ा वहीं पर केजरीवाल डटेगा पूरे भारत ने अब हमसे बोला क्यों जहर हमने नफरत का घोला हो चुकी खत्म बाजीगरी सब बहनों भाइयों हो चुकी खत्म बाजी गरी सब ढूंढ लो जल्दी से अपना झोला मैं तो संभल गया पसीना निकल गया डाउन 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 साहेब भाई साहब साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया अरे सीबीआई जांच में क्या मिला सीबीआई जांच में क्या मिला तभी है बाखूबी जांच का हिसाब बाखूबी आपने अपनी बात रखी और विधायक जी के भी ऊपर पूरा तंज कस दिया आपने आप कह रहे हैं कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश करी बीजेपी कहती है सबूत दिखाओ कहां खरीदा आपने वक्त आने पे सब कुछ दिखाया जाएगा और सबके सान में उनको भी किया जाएगा अपनी कविता के माध्यम से कह दिया झोला भी उठाने वाले हैं बीजेपी अब उन्होंने कहा कि हम तो क्या फकीर हैं फकीर झोला उठा के चल देंगे तो आपने कहा होगा मजाक में अब हकीकत आ गई है कि खत्म बाजीगरी का खेल हो गया उठा लो झोला तैयार हो हमारा आम आदमी पार्टी का खेल हो गया है इसीलिए हम कह रहे हैं कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता सिर्फ परेशान किया जा सकता है परास्त नहीं किया जा सकता बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि आप ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आप नए दिन कोई ना कोई रंग दिखा देते हैं उनको सोचना चाहिए कि पहले ये सवाल विजय माल्या से करो मेहुल चौकसी से करो ये सवाल उन लोगों से करो जो यहाँ हमारा 10,00,000 करोड़ खा करके भाग गए हैं जवाब नहीं दे रहे हैं तो पहले उनसे जवाब मांगो जो तुमने जिनको तुमने लोन दिया जनता का पैसा लूट कर उन तक पहुँचाया उनका जवाब चाहिए हम लोगों को इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि ये मौका है इस मौके को हमें खोना नहीं है और वक्त आ जाए तो फिर रोना नहीं है बीजेपी कह रही चिंटू मिंटू की जोड़ी है जो घोटालेबाज है बीजेपी को कहने दो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बकरे की अम्मा कब तक खेर मनाएगी चिंता मत करो जल्दी ही गुजरात में आपकी सरकार आएगी एक आखिरी सवाल सर आपने मंच से कहा बीजेपी के 3 जमाई ये सारे 3 हैं अरे इनका कितना कर लेंगे कुछ हम तो कह रहे हैं लोग सीबीआई जांच करते तो कहते हैं हमने ये निकाला वो निकाला 14 घंटे रेड करी 31 जगह ठिकानों पर रेड करी क्या मिला आज सीबीआई से पूछते हैं तो वो सिर झुका के कहती है कि भैया बाबा जी का वो सिर झुका के कहती है कि 14 घंटे रेड मारी तो ऐसे लगा जैसे 14 बरस का वनवास भोगा है और हमने केजरीवाल को कोशिश रोका है लेकिन केजरीवाल रुकने वाला नहीं है और पंजाब में सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए